दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना एक केंद्र सरकार की योजना है और एक छोटी बचत योजना इसको कहा जाता है। छोटे छोटे अमाउंट के माध्यम से आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का टॉपिक, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना खाता कौन कौन और किसका आप खाता खुलवा सकते हैं? इसका जवाब है कि आप अपने परिवार के दो बच्चियों के नाम से बैंक या पोस्ट ऑफिस में ये खाता खुलवा सकते हैं। दो से अधिक होने की स्थिति में एक ही स्थिति हो सकती है कि जो दूसरे बच्चे जिनका जन्म हुआ है, जो दूसरी बच्चियों का जन्म हुआ है, वो यदि जुड़वा है तो पहली बच्ची और जो बाद में जो जुड़वा बच्चे जन्मे हैं कुल, ऐसे मामलों में तीन बच्चियों के नाम से आप ये खाता खुलवा सकते हैं। देश के किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। इनकी उम्र होनी चाहिए 0 से 10 साल, यानी कि जिन बच्चियों के नाम से ये खाता खुलेगा उनका उम्र 0 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच का हो सकता है। उससे ज्यादा के बच्चे का खाता इस योजना में आप नहीं खुलवा सकते। अब सवाल आता है कि ये खाता खुलवाने के लिए आपको क्या क्या कागजों की जरूरत पड़ेगी। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि आप दोनों के नाम से जो KYC है, आधार कार्ड यदि बच्ची का बन गया है अच्छी बात है, यदि आधार कार्ड नहीं बन पाया है, बच्ची छोटी है अभी, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। और जो अभिभावक हैं या जो पालक हैं या जो माता है या पिता है जिसका नाम आप शामिल करवाना चाहते हैं, तो उसका लगेगा आधार कार्ड और पैन कार्ड और साथ में आप दोनों की फोटो। बस इतने सिंपल से रिक्वायरमेंट है और इसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपका ये खाता आराम से खुल जाएगा। अब इसमें छोटे छोटे सवाल आते हैं, जो मन में डाउट आते हैं वो है कि हम कितने साल तक इस पैसे को इस स्कीम में जमा करते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा जवाब है कि आप यदि आज आपने खाता खुलवाया है तो आप आज से लेकर के 15 साल तक इस खाते में पैसे डालेंगे। अब सवाल आता है कि हम कितना जमा कर सकते हैं, मिनिमम कितना जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक कितना जमा कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा जवाब है दोस्तों कि यदि आप इस स्कीम में खाता खुलवा रहे हैं तो साल भर में कम से कम 250 रुपये यानी कि 250 रुपये जमा करने होंगे। ये पहले ये अमाउंट ज्यादा था, अभी सरकार ने लेटेस्ट गाइडलाइन में इसको जो है कम कर दिया है। 250 रुपये कम से कम आपको साल भर में जमा करने पड़ेंगे और अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं इस खाते में एक बच्ची के नाम से। अब सवाल दूसरा आता है कि यदि हम ये 250 रुपये देने में किसी कारण से डिफॉल्ट हो गए, चूक गए, भूल गए, तो क्या होगा? इसका जवाब है कि आप यदि एक साल में 250 रुपये देना भूल गए हैं तो आप उस साल के लिए, जिस साल भूले थे उस साल के लिए 250 तो आपको देना ही पड़ेंगे, लेकिन चूंकि आप भूल गए थे तो पेनल्टी के रूप में सरकार आपसे 50 रुपये अलग से लेती है। तो इसका उत्तर है कि यदि आप किसी कारण से किसी साल में इसका प्रीमियम जमा करना भूल गए हैं तो उस साल का प्रीमियम प्लस 50 रुपये, मतलब मिनिमम जो 250 रुपये प्लस 50 रुपये, 300 रुपये देके आप खाता फिर से चालू करवा सकते हैं। अब कई बार जो है कई लोगों का सवाल आते रहता है कि भाई 15 साल तक मैं जो है जमा कर रहा हूँ, 10 साल तक मैंने खाता खुलवा दिया है तो मुझे पैसे वापस कब मिलेंगे? इसका जवाब है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो कहती है कि आप आज खाता खुलवा रहे हैं तो आज से लेकर के 21 साल बाद आपको पैसा मिलेगा। 21 साल बाद इसमें कन्फ्यूजन होता है कि बच्ची का उम्र 21 साल हो गया तो हमको पैसा मिलेगा क्या? दोस्तों ऐसा नहीं है, आप आज खाता खुलवा रहे हैं तो आज से लेकर के 21 साल बाद आपको पैसे मिलेंगे मैच्योरिटी के। लेकिन इसमें यदि थोड़ा थोड़ा क्लॉज बीच में आपको छूट दी गई है। पहला छूट यह है कि बच्ची यदि 18 साल की हो गई है और हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहती है और उस समय पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप वहां पे पार्सल विड्रॉल निकाल सकते हैं। पार्सल विड्रॉल मतलब है कि आप कुछ एक अंश, कुछ पैसे, सारे पैसे नहीं निकाल पाएंगे, कुछ पैसे निकाल पाएंगे और वो लिमिट सरकार ने तय करी है 50%। सपोज कि आपने जो है बच्चे की उम्र 18 साल होने तक जो है 5 लाख रुपए जमा कर चुके हैं तो आप 18 साल होने के बाद उच्च शिक्षा के, बच्ची के उच्च शिक्षा के लिए आप 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए का विड्रॉल आप कर सकते हैं दोस्तों। और जो हमने आप बताया था कि परिपक्वता इसकी 21 साल है, मतलब खाता खुलवाने के बाद 21 साल है, लेकिन उसमें एक छूट और दी गई है कि यदि 18 साल की उम्र होने के बाद बच्ची की शादी करना है तो बच्ची की शादी के लिए आप पूरे पैसे के विड्रॉल कर सकते हैं। बच्ची के किसी कारण से डेथ हो जाता है तो हम अकाउंट को बंद कर सकते हैं और जो भी पालक हैं, गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं, उनको पैसे का विड्रॉल मिल जाएगा। एक सवाल आता है दोस्तों कि जैसे PPF होता है, PPF में क्या होता है, हमने जो पैसा जमा करते हैं कुछ सालों बाद उसमें जो है लोन की एलिजिबिलिटी आ जाती है। मैं पैसे को विड्रॉ नहीं करना चाहता लेकिन उस पैसे के बदले में मैं लोन लेना चाहता हूं, तो ये सवाल आता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में हम लोन ले सकते हैं क्या? इसका जवाब है दोस्तों नहीं, सरकार ये अलाउ नहीं करती है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में लोन आपको नहीं मिल पाएगा।
दोस्तों इसके छोटे छोटे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपको इसमें ब्याज जो है नॉर्मल जो बचत खाता है या आरडी है या एफडी है उससे ज़्यादा मिलता है। ब्याज कितना मिलता है ये कोई फिक्स ब्याज नहीं रहता, सरकार इसको हर साल तय करती है, कभी कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको ब्याज मिलते हैं। दूसरा फायदा है दोस्तों कि आपको जो आयकर की जो अधिनियम है 80C, आप हमें हमेशा सुनते होंगे LIC वगैरह कराते हैं या बीमा वगैरह करवाते हैं, तो उसमें भी आपको 80C में छूट मिलता है। अलग अलग आपके इसके सेक्शंस हैं, तो आपको जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसका छूट धारा 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। तीसरा अच्छा फायदा है दोस्तों इसको एग्जेम्पशन मतलब ई मतलब छूट ये कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब क्या है? पहला छूट का मतलब है जब आप पैसा डालते हैं उस समय आपको आयकर में छूट मिल जाती है। सेकंड ई मतलब है, एग्जेम्पशन का मतलब है कि जब आपको उसमें ब्याज मिलता है, जितना रुपये भी ब्याज मिलता है, आपने जितना जमा किया उसके हिसाब से उसमें जितना भी ब्याज मिलेगा उस ब्याज में भी आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और तीसरा एग्जेम्पशन, तीसरा ई का मतलब है कि जब आप परिपक्वता पर इस पैसे को निकालेंगे तो आपको भी उस परिपक्वता वाले मिलने पे, परिपक्वता के लिए जो राशि मिलेगी उस राशि पे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सी जानकारी थी सुकन्या समृद्धि योजना की, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हुए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट में बताएं कि आप कुछ और डाउट्स रह गए, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स दूर करने की। वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करें, अपने परिवारजनों को परिचितों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं, और अच्छा लगा हो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।